अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम करता हूँ आपको अपने चैनल में। और आज के न्यू एपिसोड के अंदर देखें तीनों मुर्गों को किस तरीके से यहाँ पर रखा है भाई ने। टायर ऊपर इसलिए रखा है कि ये टायर जो है ना, इनका टायर हट जाता है ना तो ये लोग हवा से पिंजरा निकल जाते हैं और ये लोग लड़ना शुरू कर देते हैं। इसलिए उन तीनों को एक साथ इस तरीके से रखा है हमने कि वजन बढ़ता रहता है तो हवा से नहीं उड़ते और इनके लड़ने के ये पिंजरा उड़ने के चांस कम हो जाते हैं। इसलिए फाइट के चांस कम हो जाते हैं। जब अगर फाइट हो जाती है तो बहुत खतरनाक कैसे लोग जख्मी करते हैं वो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ और दिखा भी चुका हूँ। अब इन सबको बारी बारी खाना दिया जा रहा है, पानी दिया जा रहा है इस सेटिंग के साथ। ये अभी अरीब आ चुका है और यहाँ की सफाई हो रही है। और ये देखें अरीब, ये दिखाओ, ये हटा के, ये गत्ता हटाओ। ये इतनी सारी मिट्टी है, इसको भी छानेंगे और इसमें से दाने हम अलग करेंगे, क्योंकि मिट्टी में जब हम बाजरा डालते हैं तो काफ़ी मिक्स हो जाता है, उसको निकाल के छानते तो ज़ाया होने से बच जाता है, तो आपका जो है ना बाजरा वेस्ट होने से बच जाता है। तो थोड़ी सी मेहनत होती है मगर इसमें आपके जो है ना बाजरे बच जाते हैं वेस्ट होने से। आइडिया तो सही है, दाना पानी सब बाहर आने के सही है, आइडिया बुरा नहीं है। मगर भाई ओलेक्स पे हेड लगा के जो है ना इसको पहले देखना पड़ेगा अपने को कि ख़रीदता कौन है इसको और उसको पहुंचाएंगे कैसे, ये सब चीज़ें चेक करनी होगी। देखा, डेढ़ घंटे की मेहनत के बाद इसको पूरा साफ़ कर दिया है देखें। और जो मिट्टी मैंने आपको इससे पहले दिखाई है वो इसी में से निकली है और उसी मिट्टी में बाजरा भी निकला। ये देखें जिस तरह बाजरा पड़े होते हैं ना, ये सब मिट्टी के अंदर मिक्स हो जाते हैं, इनको भी छान के इनका बाजरा अलग करना पड़ता है। चूज़े भी दाना खाने में मसरूफ़ है चूज़े भी। देखा, डेढ़ घंटे की मेहनत के बाद इसको पूरा साफ़ कर दिया है देखें। और जो मिट्टी मैंने आपको इससे पहले दिखाई है वो इसी में से निकली है और उसी मिट्टी में बाजरा भी निकला। ये देखें जिस तरह बाजरा पड़े होते हैं ना, ये सब मिट्टी के अंदर मिक्स हो जाते हैं, इनको भी छान के इनका बाजरा अलग करना पड़ता है। देखें, हमने ये पिंजरा भी लाया है डबल वाला, एक ये पिंजरा नया है डबल वाला और एक ये पिंजरा आया है नया, उसमें उस मुर्गे को रखा हुआ है। दो पिंजरे हो गए और एक पिंजरा और भी आया है। एक पिंजरा कौन सा नया है, तीन है? हाँ, एक वो सामने रखा हुआ है। ये तीन पिंजरे जो है ना कल लेके आए शोएब और इसमें भी इंशाल्लाह चूज़ों की सेटिंग करेंगे तो इंशाल्लाह ताला मैं वो भी आपको दिखाऊंगा जब रखेंगे तब। अच्छा, देखें दोस्तों काला मिट्टी के मज़े ले रहे हैं, ये तो नज़र ही नहीं आ रहा जालू से, बिल्कुल तो रंग काला, वो तो जालू के पीछे आपको नज़र ही नहीं आ रहा होगा कि थोड़ा धूप कम है, अंधेरे का शेड है, इस वजह से ये अंदर से दिखाना पड़ेगा आप लोगों को। और दोस्तों तोतों की तरफ आ गए और ये वही है दो बच्चे और वहाँ वही, अभी तक उनके अंडे से बच्चे निकले नहीं है, इंशाल्लाह ज़्यादा जैसे ही निकलते हैं तो आपको इंशाल्लाह दिखाऊँगा। और अभी तक आए नहीं, आओ छत पर जो हमारा केज हमने बड़े तोतों के लिए बनाया है वो माशाल्लाह से बन चुका है, बस जैसे ही थोड़ा से पैसों का अरेंजमेंट होता है तो इंशाल्लाह हम वहाँ के लिए भी जोड़े लाने शुरू कर देंगे। फिर उन तोतों को भी मैं आपको दिखाया करूँगा, तोतों को ज़्यादा कम ही दिखाता हूँ क्योंकि अभी क्वांटिटी इतनी कम है, इंशाल्लाह बढ़ती जाएगी तो फिर डेली बेस पर इनका व्लॉग ना इनको लिया करेंगे। और जब इनके बच्चे वगैरह निकलेंगे ना इंशाल्लाह फिर अभी देख लें सारे, अभी तक बच्चे और निकले नहीं, वैसे ही दो तीन बच्चे थे जो अभी मर गया, दो ये बड़े हैं, बाकी सारे वहीं पर हैं, जब वो निकलेंगे इंशाल्लाह फिर आपको बताऊंगा।